इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो, क्योंकि इशारा हुआ करता था और कभी कभी डायरेक्ट रूप से कहा जाता था। अभी कानपुर में एक घटनाक्रम हुआ 28 दिसंबर को, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के 7-8 लोगों ने एक झूठ मूठ का नाटक किया, एक गाड़ी तोड़ी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके, उसमें हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की अच्छी। लेकिन इस तरह के प्रपंच और इस तरह के अपराध हुआ करते थे जिस पे पिछले 5 वर्षों में बहुत रोक लगी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर से बीजेपी के नेता बन गए हैं असीम उल, हमारे साथ मौजूद हैं। असीम जी, सबसे पहला सवाल, पहले कांग्रेचुलेशन्स, और पहला सवाल आपको ये मेरा है कि कल कानपुर पुलिस कमिश्नर यूपी एटीएस चीफ से सीधे भाजपा नेता का सफर कैसे तय किया? ये सफर जैसे मैंने बताया केवल 8 दिन का सफर है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की कल्पनाशीलता है कि सदैव अपने नेतृत्व को और अच्छा करने के लिए, जिसमें दोनों चीज़ शामिल हैं, जो नेतृत्व है उनको मांझना और जो मेरे जैसे नए लोग हैं उनको शामिल करना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरी तरह विशेषज्ञों को, प्रोफेशनल्स को और प्रतिनिधित्व के लिए सभी समाज के लोगों को जोड़ा गया है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यद्यपि मेरी 9 साल की सेवा अभी बची हुई थी, मेरे बारे में संगठन ने एक कल्पना की, मुझे सुझाव दिया, उस सुझाव पर मैंने विचार किया, मुझे लगा कि ये सुझाव ऐसा है, कठिन रास्ता है लेकिन चलने लायक है, बहुत संतुष्टि मिलेगी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको सेल्फ थॉट था या क्या संगठन ने आपको कॉन्टैक्ट किया? ये मुझे संगठन का सुझाव आया और उसके बाद मैंने उसके ऊपर विचार किया, तो दोनों ही तरफ से कह सकते हैं, लेकिन जब तक मैं 31 पिछले साल के आखिरी दिन तक नौकरी में था तब तक ऐसा कोई विचार नहीं था। और मैं समझता हूँ नेतृत्व यही है कि किसी के मन में एक ऐसी कल्पना विकसित की जाए जो एक कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो। अगर एक विचार दिया जाए कि दौड़ के पहाड़ पर चढ़ जाओ और पहाड़ पर चढ़ने को व्यक्ति तैयार हो जाए तो ये नेतृत्व है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। और एक नेतृत्व जिसको मुझे देना है, जिन साथियों को देना है, उनके लिए भी मुझे इसी प्रकार की कल्पनाशीलता रखनी होगी। आपने आज कहा दलितों और वंचितों के बेहतरी के लिए, बीइंग अ पुलिस कमिश्नर या यूपी एटीएस चीफ का भी आपके बैक ऑफ माइंड दिमाग में था कि दलितों के लेकर वंचितों को लेकर, क्योंकि पुलिस कमिश्नर पहली बार सारी बातें सुनना? जी, ये सरकार की नीति भी है और ऐसे बहुत सारे कानून भी हैं जिसमें कि वीकर सेक्शंस यानी वंचित और दलित समाज यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कार्य करने के निर्देश हैं, प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से भी और न्याय के दृष्टिकोण से भी। सो ये कोई नई बात नहीं है और ये बिल्कुल संवैधानिक परिधि में है। हाँ, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य अलग है और एक लोक सेवक के रूप में कार्य अलग है, ये अंतर आएगा। ये भी कहा कि पिछली सरकारों में फोन आते थे, क्या थे बताइए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और अन्य सरकारों में ये बहुत बड़ा अंतर रहा कि पिछली सरकारों में इस तरह के फोन पुलिस अधिकारियों के पास आया करते थे कि ये अपराधी तो हैं लेकिन ये सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मदद करो, क्योंकि इशारा हुआ करता था और कभी कभी डायरेक्ट रूप से कहा जाता था। कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि कितनी बार थानों पर जाकर के नेतृत्व के लोग बैठ गए और छुड़ा लाए अपराधियों को। मैं अभी कानपुर में एक घटनाक्रम हुआ 28 दिसंबर को, जिसमें एक राजनीतिक पार्टी के 7-8 लोगों ने एक झूठ मूठ का नाटक किया, एक गाड़ी तोड़ी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके, उसमें हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की अच्छी। लेकिन इस तरह के प्रपंच और इस तरह के अपराध हुआ करते थे जिस पे पिछले 5 वर्षों में बहुत रोक लगी है, इस पे अगले 5 वर्षों में और मेहनत होगी और काम होगा। सवाल आपसे ले रहा हूँ मैं कि कौन सी सीट है, कन्नौज के पैतृक गांव है आपका, रहा है गांव जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या चाहते हैं, कौन सी सीट आपको मिले बीजेपी? जो मुझे टास्क दिया जाएगा, जो मेरा कौशल है, स्किल है, उसके मुताबिक मैं अब लंबे समय के लिए इस लोक सेवा में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ। जैसा जैसा टास्क मुझे मिलेगा मैं उसको अपनी पूरी पूरे मनोयोग से, काबिलियत से उसको पूरा करूंगा। हमारे साथ असीम अरुण, पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब बीजेपी नेता, का कहना साफ है पहले की सरकारों में फोन आते थे पर इसमें नहीं, उसी से प्रभावित इन्होंने ज्वाइन करी है बीजेपी।